आप लोग जो भी बताया जा रहा है उसको ग्रहण करेंगे, सीखेंगे और अपने जीवन में साकार करेंगे शांति, क्योंकि अध्ययन में एकाग्रता और शांति का सबसे महत्वपूर्ण कारक है। अगर शांत नहीं रहेंगे, एकाग्र नहीं रहेंगे तो कुछ भी संभव नहीं। मन किसकी एकाग्रता? मन की एकाग्रता क्यों कहा जाता है? आप यहाँ बैठे हो, बार बार वहां बाहर देखते हो, तो ऐसे बैठने से कोई फायदा है? आपका जब मन बाहर लगा रहेगा, इसलिए मन में अपना ध्यान नहीं कीजिए। जो भी कुछ बताया जाएगा आप ज्ञान मन पर आपका मार्गदर्शन किया जाएगा, ठीक ना? शांति आइए बताना है बच्चों को। और भी बच्चे हैं बाहर आप लोगों के? डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम राजन गुप्ता है और मैं मोटिवेशनल स्पीकर हूँ। मैं एजुकेशन मिशन पे हूँ। एजुकेशन को हाईली प्रमोट करने के लिए मैंने खुद से रूल्स रेगुलेशन टेक्निक्स डेवलप किया है, जिसको मैं प्रत्येक स्कूल में मैं विजिट कर रहा हूँ। 2 डेज का मैं क्लास प्रोग्राम दे रहा हूँ। 2 डेज के क्लास प्रोग्राम में मैं बच्चों का एक छोटा सा टेस्ट भी ले रहा हूँ कि उनके स्कूल में कैसा पढ़ाया जा रहा है, क्या बच्चों को अच्छे तरीके से लर्निंग हो पा रहा है या नहीं, क्या बच्चों में आउटपुट है या नहीं, ये सब का मूल्यांकन करने के साथ साथ मैं प्लानिंग भी शेयर कर रहा हूँ। प्लानिंग बता रहा हूँ कि आपको पढ़ाई किस तरीके से करनी है, किस तरीके से बेहतर तरीके से आप स्टडी करेंगे तो आप अपने कैरियर में आप कम समय में जल्दी सक्सेस हो सकते हैं। तो जो भी टिप्स हैं, जो भी रूल्स गाइडेंस है, वो मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा, जिसके थ्रू आप पढ़ने में बेहतर बन पाएंगे और साथ ही साथ आपकी लाइफ स्टाइल भी चेंज हो जाएगी और उसकी बदौलत आपकी फैमिली स्टाइल भी चेंज पूरी तरीके से हो जाएगी। ये इट मीन्स कि आपकी फैमिली चेंज हो जाएगी, आपका एक समाज भी चेंज हो सकता है। तो इसी संदर्भ में मैं आपके विद्यालय में हूँ। आज डेट कौन सा है? 27 जनवरी 2020। आज की डेट में 27 और 28 दो दिन का क्लास प्रोग्राम मैं दे रहा हूँ आपके विद्यालय में। आपका विद्यालय है ये इंटर कॉलेज खानपुर खानिमपुर तेंदुआ गोरखपुर, राइट? आज मैं आपके विद्यालय में, इस विद्यालय में मैं कार्यक्रम 2 दिन में देने वाला हूँ, 2 दिन का। और 2 दिन में हम कार्यक्रम देने वाले बच्चों को हम बताने वाले हैं कि कैसे आपको पढ़ाई करनी है, अपने लाइफ में कैसे आगे बढ़ना है, और इस तरीके से मैं मोटिवेशन क्लास प्रोग्राम दे रहा हूँ। मैं एक चार्जिंग का काम कर रहा हूँ कि बच्चों को चार्ज कैसे किया जाए। चार्ज करने पे मैं बिल्कुल फोकस करूंगा कि बच्चों का पढ़ने के प्रति उत्साह कैसे बढ़ाया जाए, इस मुद्दे पे मैं बात करने वाला हूँ। क्योंकि पढ़ाई तो बच्चे करते ही हैं, टीचर्स पढ़ाते हैं, सब कुछ अपना योगदान देते हैं, तो कहीं ना कहीं बच्चों में एक समय ऐसा आता है जिसमें उत्साह कम हो जाता है बच्चों को पढ़ाई के प्रति। इसलिए मैं हर एक विद्यालय में विजिट कर रहा हूँ और बच्चों को चार्ज करने का काम कर रहा हूँ कि बच्चों को कैसे किस तरीके से उनको पढ़ाई के प्रति एक्टिव किया जाए ताकि उनका एजुकेशन बेहतर हो सके और उनका भी एजुकेशन बेहतर होने के साथ साथ उनका जो है कैरियर भी आगे चल के बेहतर हो सके। तो इस संदर्भ में आप क्लास की शुरुआत करते हैं। क्लास की शुरुआत करने के दौरान सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि बच्चों को कैसे एजुकेशन दिया जा रहा है और क्या बच्चों में अभी नॉलेज है और क्या उनका लेवल है, कैसे उनको आगे का चीजें शेयर किया जाए। अंडरस्टैंड? तो इसके लिए मैं एक छोटा सा टेस्ट लेने वाला हूँ और वर्बली ऐसे टेस्ट लूंगा कि आपको जो पढ़ाया गया उसी संदर्भ में पूछूंगा कि आपको जो पढ़ाया गया है क्या आपके दिमाग में है, क्या आप उसको बोल पा रहे हैं, इस सब चीज का मूल्यांकन हम करेंगे। क्या आपके स्कूल में इतना ट्रेनिंग दिया गया है कि आप बोल पा रहे हैं, इन सब का हम मूल्यांकन करने वाले हैं। इस मूल्यांकन के बाद हम डिसाइड करेंगे कि आपका लेवल कितना है और उसके बाद से कैसे पढ़ाई करनी आगे का, ये सारी चीजें हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं। तो तैयार है सभी लोग? वेरी गुड। तो छोटा सा मैं टेस्ट लूंगा, उसे घबराना नहीं है, जो आ रहा है उसको बोलना है, नहीं आ रहा तो बोला सर नहीं आ रहा मुझे, बिंदास, ओके। यहाँ पे कोई पनिशमेंट आपको नहीं मिला, अंडरस्टैंड? साथ ही साथ तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे, अगर आपका मेरा टेक्निक्स, मेरा रूल्स, मेरा मोटिव आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें, अपना फीडबैक जरूर दें ताकि हम अपने आप में अपने प्लानिंग में चेंजिंग करके और भी बेहतर प्लानिंग के साथ हम स्टूडेंट से रूबरू हों और स्कूल में विजिट करें और स्कूल को बेहतर प्लेटफॉर्म हम दे पाए।
और सभी गार्जियंस को मेरा ये सलाह है कि अपने बच्चों पे विशेष ध्यान दे, जो भी उनके बच्चे हैं जहां कहीं भी पढ़ रहे हैं, जिस स्कूल में पढ़ रहे हैं, उनको उनका मूल्यांकन करें कि क्या जब बच्चा घर पढ़ के जब घर आ रहा है तो उसे आप अवश्य पूछें कि आपके स्कूल में क्या पढ़ाया गया, उसके बारे में, अपने टॉपिक्स के बारे में कुछ बोलो, उनसे बोलवाने का प्रैक्टिस करें उस टॉपिक के संदर्भ में। ऐसा करेंगे तो बच्चे का माइंड एक्टिव रहेगा, चीजों को क्लास के दौरान अच्छे से एक्सेप्ट करेगा, एक्सेप्ट करने के साथ ही साथ उसका नॉलेज हर एक सब्जेक्ट में बेहतर होगा और वो एक दिन बेहतर भविष्य की ओर उन्मुख हो पाएगा। तो क्लास की शुरुआत करते हैं, तो सबसे पहले कुछ सवाल करते हैं आप लोगों से ही, ठीक है? यू स्टैंड अप, योर गुड नेम? माय नेम इज तन्वी। सॉरी, गुड नेम योर तन्वी, ओके। क्लास कौन सा है आपका? सेवन। ओके गुड, सेवन। आपके कौन कौन से विषय, कौन कौन से आपके? इंग्लिश, ओके, साइंस, ओके, मैथ, जियोग्राफी, हिस्ट्री, संस्कृत। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। जियोग्राफी में आपको कितने लेसन पढ़ाए गए हैं? 11 लेसन पढ़ा दिए गए हैं, ओके। आपको 11 लेसन के नाम आप बता सकती हैं? या कोई भी 2, 4, 5 जो भी याद हो आपको, लेसन का नाम बता दीजिए। बहुत अच्छा, अच्छा, वेरी गुड। और ओके, ठीक है, चलिए कोई सुने, चलिए आपने इतना बताया, अच्छा लगा, वेरी गुड। आप बताइए सवाना प्रदेश क्या होता है? सवाना प्रदेश, यस, सवाना प्रदेश, सवाना प्रदेश आपने बताया ना, चैप्टर का नाम है, ओके, हेडिंग है, अच्छा। सवाना प्रदेश सबने समझाया होगा आपको, क्या होता है सवाना प्रदेश, जो भी याद आ रहा होगा सब हम बोल देना, नहीं याद आ रहा होगा बोलना, सब नहीं याद आ रहा बिंदास, ओके, कोई पनिशमेंट नहीं है, बताइए सवाना प्रदेश क्या होता है? सवाना प्रदेश दोनों का नाम है, यस, 10 डिग्री, ओके, उत्तरी और 10 डिग्री अक्षांश के बीच स्थित है, ओके, वेरी गुड। और कुछ, अच्छा, कहाँ, किस कंट्री में पाया जाता है, देश का नाम वगैरह कुछ बताइए, यस, देश का नाम बताइए कुछ, याद नहीं आ रहा, चलिए कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। आपका गुड नेम? मनीष प्रजापति, ओके मनीष, आपका क्लास कौन सा है? 7, ओके मनीष, आप पढ़ाई क्यों करने आते हैं? सर, यस, ज्ञान की प्राप्ति के लिए, राइट? और कुछ सर, अगले भविष्य के लिए, कुछ बढ़ने के लिए, राइट? ये सब तमाम सारे क्वेश्चन, ओके, वेरी गुड। अगर हमें बेहतर भविष्य बनानी है तो क्या करना पड़ेगा? पढ़ाई करना पड़ेगा, वो तो हम करने आते ही है, तो हमें बेहतर तरीके से पढ़ना पड़ेगा, ठीक है? तो कैसे माना जाएगा कि हम बेहतर तरीके से पढ़ाई करते हैं? कैसे माना जाएगा कि हम बेहतर तरीके से पढ़ाई कर रहे हैं, यानी कि कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए और हम आसानी से बता सके, सारे क्वेश्चन का आंसर दे सके, तभी तो मानेंगे ना, तभी तो मानेंगे ना। तो आप हमें बताएंगे कि साइंस में कितने लेसन पढ़ाए गए आपको? साइंस में 14 लेसन पढ़ाए गए आपको, वेरी गुड। पहला लेसन कौन सा है आपका? सर याद नहीं है, ओके, कोई सुनिए, कोई भी लेसन याद है, कोई सभी 14 में? ध्वनि, ओके, ध्वनि बहुत अच्छा चीज है, ध्वनि, हम सभी बोलते हैं ध्वनि निकलती है ना, ध्वनि के बारे में बताइए कुछ, कितने प्रकार के होते हैं, क्या होता है ध्वनि की प्रसंग, कैसे मानते हैं ध्वनि, कितने प्रकार के होते हैं? याद नहीं है, ओके, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आप लोग जाइए स्टैंड अप, यस, योर गुड नेम? अंकित कुमार। 7 आपका भी, ठीक है। ध्वनि बताइए क्या होता है? ध्वनि ऐसी चीज है जो हम लोग बोलते हैं, ठीक है, बोलने से जो हम लोग की आवाज निकलती है उसको ध्वनि कहते हैं, जैसे लाउड स्पीकर, जैसे गाड़ी की आवाज हुई, ओके, और लाउड स्पीकर, और कोई भी हम लोग ड्रम बजाते हैं उसमें से जो निकलती है वो ध्वनि होती है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अच्छा, यस यस, कौन बोल रहा है, बोलिए, क्या हुआ, बोलना चाह रहे हो आप, क्या कह रहे हो? चलिए आप बताइए कि आपने बताया, बहुत अच्छा लगा, ध्वनि के आपके बारे में बताया, कितने प्रकार के ध्वनि होते हैं? आपका आपके सिलेबस में पढ़ा नहीं दिया क्या? याद नहीं आ रहा है ना, यानी ध्वनि के प्रकार दिया होगा, कोई बताएगा ध्वनि के कितने प्रकार होते हैं? कोई भी स्टूडेंट,
कोई भी स्टैंड ओके कोई सुनिए चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर तो पढ़ते हैं यू स्टैंड अप आपका गुड नेम ओके आप बताइए हमें आपके देश के प्रधानमंत्री कौन है देश के प्रधानमंत्री कौन है श्री नरेंद्र मोदी ओके वेरी गुड आपके देश में कितने राज्य हैं राज्य कितने हैं कितने राज्य हैं कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं बताएंगे आवाज नहीं आनी चाहिए किसी का भी अभी देश में कितने राज्य हैं आपको पता नहीं है ओके नहीं मैं पूछूंगा आपको बताना है राइट चलिए आप खड़े हो जाइए यू स्टैंड अप आपका गुड नेम दिव्या ओके आप बताइए कि जम्मू कश्मीर राज्य है या केंद्र शासित प्रदेश है राज्य है ओके यस बताइए वेरी गुड सॉरी केंद्र शासित प्रदेश है जम्मू कश्मीर या उसमें डिवीजन केंद्र शासित प्रदेश है वेरी गुड आपने आपको कैसे पता सर ने बताया बुक में पढ़ा आपने न्यूज में देखा कहाँ देखा आपने सर बताए थे कौन सर ने बताया आपको सर कोचिंग ओके कोचिंग आप पढ़ती है वहां पे बताया गया था चलिए बहुत अच्छा आप कोचिंग नहीं पढ़ती तो फिर आपको नहीं पता कि जम्मू कश्मीर राज्य है या केंद्र शासित प्रदेश है ओके कोई बात नहीं ठीक है चलिए और भी कुछ सवाल करते हैं हम प्रोसेस चलिए स्टैंड अप यस आप खड़े हो जाइए ओके बताइए कि क्या पूछूं मैं आपसे कौन सा सब्जेक्ट आपको अच्छे से तैयार है कौन सा अच्छे से तैयार है आपको कोई भी तैयार नहीं है आपको ओके कोई भी लेसन तैयार नहीं है कोई सा भी विज्ञान गणित मैथ इंग्लिश कुछ भी नहीं यार ओके डियर स्टूडेंट्स डियर दर्शक मैं आपसे बताना चाहता हूं जैसे कि मैंने स्टूडेंट से मैंने सवाल किया तो सवाल का जवाब आने के मुताबिक हम ये जजमेंट निकाल सकते हैं कि कहीं ना कहीं बच्चों में बताने की हैबिट्स है पर पूछकर इनके अंदर बताने की हैबिट्स को डेवलप नहीं किया गया है इट मीन्स कि कहीं ना कहीं बच्चों में जो उत्साह है उसको उभारा नहीं गया है या तो गार्जियंस के द्वारा या टीचर्स के द्वारा राइट तो हमने जब बच्चों से पूछने की कोशिश किया तो बच्चों ने जैसे कि इनसे पूछा मैंने कि अभी कितने राज्य हैं जम्मू कश्मीर राज्य केंद्र शासित इन्होंने जवाब नहीं दिया इट मीन्स कि कहीं ना कहीं करंट अफेयर से इनको अपडेट नहीं किया जा रहा है तो ऐसे में हम ये अनुमान लगा सकते हैं कि आगे चल के इनका करियर कहीं ना कहीं डैमेज हो सकता है तो यदि अभी से कोई प्लानिंग नहीं होगा कोई भी प्लानिंग से अभी ये पढ़ाई नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं आगे चल के समस्याएं होगी अभी क्लास 7 में है फिर 8 में जाएंगे फिर 9 10 11 12 फिर ऐसे ग्रेजुएशन पास करेंगे फिर कंपटीशन की तैयारी करेंगे और कंपटीशन की तैयारी करने के बाद यानी करने के दौरान वापस से यही क्लास 7 का बुक क्लास 8 का बुक उठा के पढ़ेंगे फिर उसी मोड पे आना है तो यदि अभी से बेहतर तरीके से प्लानिंग करके चलेंगे अभी से पढ़ाई करके चलेंगे तो हम ये अनुमान लगा सकते हैं और हमें दावे से कह सकते हैं कि इनके लिए इनका लाइफ बेस्ट होगा और अपने कैरियर में बहुत ही अच्छा जो भी चीज बनना चाहते हैं वो अच्छे तरीके से बन पाएंगे और इनको आगे चल के ज्यादा मेहनत नहीं करना पड़ेगा इसलिए अब हम बढ़ते हैं प्लानिंग की ओर कि प्लानिंग कैसे करना है पढ़ाई कैसे करनी है वो सारी चीज पे मैं बात करने वाला हूँ अंडरस्टैंड सिट डाउन सभी अब हम बताते हैं आपको प्लानिंग फॉर स्टडी क्या आप लाइफ में कुछ बनना चाहते हैं तो जो आपको मैं 5 रूल्स बताऊंगा 5 रूल को फॉलो करेंगे सभी लोग वेरी गुड 5 रूल्स में आपको करना क्या है रूल नंबर फर्स्ट सभी लोग नोट डाउन करेंगे मैं 5 रूल्स बताऊंगा आपको 5 रूल्स को फॉलो करना है और आपको मैं 30 दिन का होमवर्क भी दूंगा जिसको आपको नोट डाउन करना है देखिए 5 रूल्स बताऊंगा जो स्टूडेंट्स इन 5 रूल को फॉलो करेंगे
वो पढ़ने में बहुत तेज होंगे और साथ ही साथ वो अगर कुछ सोचे होंगे कुछ बनने के लिए तो आसानी से बन लेंगे। अगर उनके मम्मी पापा के सपने हैं कुछ बनाने के लिए आप लोगों को, तो वो अवश्य ही बन पाएंगे, राइट। तो रूल नंबर फर्स्ट, पहला काम आपको करना है क्या, आपको डेली टीवी देखना है। क्या देखना है? टीवी है सबके घर, तो टीवी देखना है और सिर्फ आधे घंटे देखना है। कितने घंटे? आधे घंटे। और टीवी में क्या देखना है आपको पता है? वेरी गुड, वेरी गुड। आपको न्यूज देखना है। क्या देखना है? न्यूज। और न्यूज, अब मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूँ। मान लो न्यूज में आ रहा है कि एक बस ने एक बाइक चलती हुई बाइक को टक्कर मारी, तो क्या हमारे लिए इम्पोर्टेंट है? नहीं सर। क्या किसी एग्जाम में पूछेगा आपसे कि किसने किसको टक्कर मारा? कहीं पूछेगा कोई भी? इट मीन्स कि हमारे लिए रिलेवेंट नहीं है। हमें उन न्यूज को देखना है जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है और हमारे एग्जामिनेशन के लिए इम्पोर्टेंट है। जो हम जैसे एग्जाम में क्या पूछा जा सकता है, आपके राष्ट्रपति कौन है, आप किस देश में रहते हो, आपके राज्य कितने हैं, पड़ोसी राज्य कितने हैं, पड़ोसी देश कौन सा है, कर्क रेखा किन किन राज्यों से होकर गुजरती है, ठीक है, लोकसभा क्या होता है, राज्यसभा क्या होता है, राष्ट्रपति क्या होता है, प्रधानमंत्री क्या होता है, ये सब आपसे पूछा जाएगा ना। yes, sir. तो जब हम न्यूज देखेंगे तो इन सब न्यूज को हम देखेंगे, तो इन सब न्यूज को हमने देखने के लिए क्या होता है, एक चैनल आता है, सरकारी चैनल है, वो सबके टीवी में आता है, वो फ्री वाला जो चैनल आता है आप लोग का, उसमें वो आता है। उस चैनल का नाम है राज्यसभा टेलीविजन। नाम क्या चैनल का? RSTV, राज्यसभा टेलीविजन। और ये इस पे एक कार्यक्रम आता है विशेष। कौन सा कार्यक्रम आता है? विशेष, वेरी गुड। विशेष कार्यक्रम आता है, ये आता है शाम को 7:30 बजे। टाइमिंग होता है आपका 7:30 बजे, 7:30 से 8 बजे तक इसको देखना है। और देखने के साथ आपको क्या करना है, नोट्स लेके बैठना है, कॉपी कलम लेके बैठना है और टीवी स्क्रीन पे जो भी कुछ आएगा उसको नोट डाउन करना है। नोट कर लिया सबने? यस सर। अब हम दूसरे रूल्स की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा रूल क्या है आपका? दूसरा रूल नंबर सेकंड, डेली आपको न्यूज़पेपर पढ़ना है। न्यूज़पेपर कितने लोग अखबार पढ़ते हैं डेली? कोई नहीं। तो आप में से कोई भी न्यूज़पेपर नहीं पढ़ता है। देखिए, सबसे बड़ी कमी स्टूडेंट्स की, सबसे बड़ी कमी सामाजिक ज्ञान का अभाव इसी रीजन से होता है, क्योंकि उनका न्यूज़पेपर पढ़ने का कोई भी हैबिट्स नहीं है, कोई भी इनको जानकारी नहीं दिया गया है इनके विद्यालय में, राइट। तो हम दूसरे टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा टॉपिक आपका रहेगा न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर नोट कर लिया सबने? यस सर। तीसरा काम करना है आपको, रीडिंग लगानी है। रीडिंग कोई याद बात नहीं करना है, कोई रट्टा नहीं है। रटी हुई विद्या बहुत जल्दी बोलती है, रटना नहीं है, आपको पढ़ के याद करना है। पढ़ के याद कैसे होगा वो सारा तरीका मैं आपको बताने वाला हूं। तीसरा काम करना है आपको, रीडिंग लगानी है। रीडिंग कैसे लगानी है? कोई एक बुक दीजिए मेरे को। यू हैव नो बुक? ओके। कोई एक स्टूडेंट है दौड़ के बुक लेके आए जल्दी, आराम से जाना, गिरना नहीं, ठीक है। तीसरा काम आपको रीडिंग लगानी है। बुक आ रहा है तो मैं आपको बताता हूँ रीडिंग कैसे लगानी है। नेक्स्ट स्टेप की तरफ बढ़ते हैं। चौथा आपको एक काम करना है, डेली एक गेम खेलना है। चौथा पॉइंट, डेली आपको गेम खेलना है। क्या खेलना है? गेम खेलना है। क्यों खेलना है जानना चाहते हैं आप लोग? yes, देखिए, हम जब पढ़ाई करते हैं ना, तो पढ़ाई करते तो हम दिमाग से करते हैं ना। yes, तो दिमाग पे ज्यादा लोड पड़ता है। लोड पड़ता है। yes, फिर क्या होता है, एक समय ऐसा आता है कि पढ़ने का मन नहीं होता है। yes, तो कहीं ना कहीं हमारा मन हार जाता है। तो हमें माइंड को एक्टिव रखने के लिए, कई बार क्या होता है ना कि जब पढ़ते पढ़ते रहते हैं फिर दिमाग से बाहर जाता है, याद नहीं होता जल्दी चीजों को। yes, ऐसा होता है। yes, तो मैं आपको एक सॉल्यूशन बताता हूँ। उस सॉल्यूशन में क्या है कि वो काम करेंगे। देखिए, गेम खेलना है आपको, डेली आधे घंटे का एक गेम खेलना है। आधे घंटे का एक गेम खेलना है। गेम क्या खेलना है? कोई भी अपने मन पसंद का एक गेम खेलेंगे आप लोग, राइट।
अपने मनपसंद का कोई भी आप एक गेम खेलेंगे, एक गेम कोई भी खेल सकते हैं। जैसे गर्ल्स में क्या होता है कि आप खेल सकती हैं और बैडमिंटन खेल सकते हैं। इससे क्या होगा, जब हम फिजिकली एक्टिव करेंगे, जैसे सुबह रनिंग कर सकते हैं, वो भी एक गेम है, सुबह रनिंग कर सकते हैं, योगा कर सकते हैं या गेम खेल सकते हैं, कुछ भी एक ऑप्शन चूज कर सकते हैं। उससे क्या होगा, जब हम फिजिकली वर्क करेंगे ना तो हमारा माइंड एक्टिव रहेगा, फिर हम जब चीजों को पढ़ेंगे तो जल्दी याद हो जाएगा। समझ पा रहे हैं आपको? तो आपको एक गेम खेलनी है, गेम आपका 30 मिनट्स का रहेगा, 30 मिनट का भी हो सकता है, 45 मिनट का भी हो सकता है, मैक्सिमम मतलब एक घंटे से ज्यादा नहीं खेलना है। समझ आ गया? उसके लिए टाइम फिक्स कर लीजिएगा शाम को 5 बजे, यानी हमने टाइम फिक्स कर दिया 5 को शाम को 5 PM एक गेम खेलते। बुक लिख गए आप? चलिए अब हम बात करते हैं रीडिंग टॉपिक नंबर 3, रीडिंग पे हम डिस्कशन करते हैं। रीडिंग कैसे लगानी है, सब कोई अपना अपना बुक ओपन करेगा पहला बुक, ओके। जैसे मान लीजिए आपने बुक ओपन किया, बुक ओपन करने के बाद से आप निकालेंगे पहला लेसन, सभी लोग निकालेंगे ऐसे पहला लेसन, ठीक। निकालने के बाद इसको खूब ध्यान से पढ़ना है एक बार। अच्छा, पढ़ते हैं तो आप लोग नींद आती है? Yes, sir. जल्दी भूल जाता है? Yes, sir. इन दोनों प्रॉब्लम के सॉल्यूशन की तरफ हम बढ़ते हैं और दोनों प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हम बता रहे हैं कि आप इसको खूब ध्यान से एक बार पढ़ेंगे, राइट? Yes, sir. उसके बाद से 17 मिनट रुक जाएंगे आपको। कितने मिनट? 17 मिनट आप स्टॉप करेंगे, रुक जाएंगे, मतलब घूम लेंगे आप लोग, फिर आप एक बार और पढ़ेंगे इसको शुरू से लेके लास्ट तक, ठीक। फिर आप 12 मिनट रुकेंगे, कितने मिनट? 12 मिनट रुक जाना है, फिर आप एक बार और पढ़ेंगे आप इसको, फिर आप 20 मिनट रुक जाएंगे। कितनी बार पढ़ना है आपको? 3 बार। पहली बार पढ़ के कितने मिनट रुकना है? 17। दूसरी बार पढ़ के? 18। और तीसरी बार पढ़ के? 20। अब इस 20 मिनट के बाद क्या करेंगे, आप रफ की कॉपी निकाल लेंगे, और रफ की कॉपी निकाल लेंगे और इस लेसन के पीछे एक्सरसाइज दिया है उस एक्सरसाइज को निकाल लेंगे और उस सारे क्वेश्चन का आंसर ढूंढ के आप अपने कॉपी पे नोट डाउन करेंगे। और इसमें क्वेश्चन का आंसर इस चैप्टर में ही दिया है, उसको ट्रिक करना है, कहां से कहां तक दिया है उसको ट्रिक करना है सबको। करेंगे सभी लोग? यस सर। वेरी गुड। तो एक दिन में एक लेसन ही करना है, एक दिन में एक लेसन ही करना है आप लोगों को, राइट? यस सर। अब जैसे एक विषय में एक चैप्टर कंप्लीट हो गया तो दूसरा बुक उठाना है, उसमें एक लेसन करना है, फिर वो जब कंप्लीट हो जाएगा तो फिर उसको रख देंगे, फिर तीसरा बुक उठाएंगे और उसमें हम एक लेसन करेंगे, फिर ऐसे ही चौथा बुक उठाएंगे उसमें एक लेसन करेंगे। जब सारे विषय में से एक एक लेसन कंप्लीट हो जाएगा तब हम वापस पहले वाले बुक पे आएंगे और उसमें हम दूसरा लेसन पढ़ेंगे। वेरी गुड। दूसरा लेसन उसमें हम पढ़ेंगे और फिर सब में दूसरा लेसन जब कंप्लीट हो जाएगा तब तीसरा लेसन शुरू से हम पढ़ेंगे। समझ गए सभी लोग? यस सर। तो रीडिंग मैंने लिखा है टॉपिक नंबर 3, रीडिंग पे बात किया मैंने, तो समझ गए रीडिंग कैसे लगानी है। यस सर। और जब भी पढ़ना है तो बोल बोल के पढ़ना है, और देखिए जब पहली बार पढ़ेंगे आप तो रूम में घूम के पढ़ना है, बैठ के नहीं पढ़ना है, रूम में घूम के पढ़ना है। और बीच में कोई भी बुलाए तो आपको सुनना नहीं है, चाहे मम्मी पापा कोई भी बुला रहे आपको नहीं सुनना है जब तक कंप्लीट ना हो। और वो 17 मिनट का टाइम दिया गया तो उस मिनट में आप जाके घूम के और मिल सकते हैं। समझ गए? yes, sir. तो और टॉपिक 4 पे हमने डिस्कशन कर लिया गेम खेलना है आपको। टॉपिक नंबर 1 पे डिस्कशन कर लिया न्यूज देखना है। न्यूज देखने से कई सारे बेनिफिट होंगे आपको। पहला बेनिफिट क्या होगा, आपका ज्ञान बढ़ेगा, आपके पास नॉलेज ज्यादा होगा। और आपको पता है जिसके पास नॉलेज है ना उसी का डिमांड है, जिसके पास नॉलेज नहीं है उसको कोई नहीं पूछने वाला, मानते हो इस बात को? yes, तो आप कोशिश करो हमें ज्यादा से ज्यादा नॉलेज हो हमारे पास। तो अब ये नहीं कि सिर्फ पढ़ाई करने से ही ज्यादा नॉलेज नहीं हो सकता, हमें न्यूज देखना पड़ेगा, चीजों को सीखना पड़ेगा। और जो स्टूडेंट ज्यादा जितना ज्यादा बुक पढ़ेगा उतना ही ज्यादा उसके पास नॉलेज होगा। समझ पा रहे हैं आप लोग? yes, अब हम नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं, टॉपिक नंबर 5। टॉपिक नंबर 5 आपको करना है ग्रुप डिस्कशन। ग्रुप डिस्कशन ग्रुप डिस्कशन
डिस्कशन, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं तो पीछे जिन लोगों को दिखाई नहीं दे रहा है यहाँ से तो वो लोग लिख लें, सुन के लिख लीजिए, ग्रुप डिस्कशन, ग्रुप डिस्कशन। अच्छा ग्रुप डिस्कशन का मतलब समझते हैं आप लोग? मैं समझाता हूँ, आपके मित्र हैं सबके, एक दो फ्रेंड होंगे ना, इस फ्रेंडशिप का यूज करना आप लोग, आपके सभी लोग फ्रेंड होंगे तो अपने फ्रेंडों का यूज नहीं करते हम लोग, सिर्फ इधर उधर की बातें करके और फ्रेंडशिप का यूज करते हैं ना। ऐसी बात करते ना, और बताओ कैसे हो, क्या चल रहा है, कल क्यों पढ़ने नहीं है, यही सब बातें होती है, और कुछ तो होता नहीं होगा। आपको ग्रुप डिस्कशन करना है, इस फ्रेंडशिप का यूज करना है, जैसे मैंने अभी सभी बताया ये काम करना है तो सभी लोग करेंगे जाके। तो आप जब अगले दिन स्कूल आएंगे तो सबसे आप ये अपने अपने फ्रेंड से पूछेंगे उस चैप्टर के बारे में, मान लीजिए पहला लेसन सबको ही करके आया है, ठीक। तो सपोज करिए कि आप दोनों फ्रेंड, आप दोनों खड़े हो जाइए, आप खड़े हो जाइए और आप खड़े हो जाइए, यू स्टैंड अप, यस आप खड़े हो जाइए, सपोज करिए आप बैठ जाओ, आप बैठ जाओ, सपोज करिए कि दोनों फ्रेंड है, ठीक है। हमने बताया इन दोनों लोग के लिए ये सारा काम करना है, सबको करना है, मान लीजिए ये भी पढ़ के आए, ये भी पढ़ के आए, ठीक। तो क्या करेंगे, ये पहला बुक आपको उठाना है, ठीक, और इसमें से आप पढ़े रहेंगे तो आपको याद रहेगा, याद रहा होगा कि हमने पढ़ा था राजा भागीरथ के बारे में, ठीक। तो राजा भागीरथ के बारे में इनसे पूछना है आपको क्लास में, ये चलो बताओ तुमने पढ़ा था इसके बारे में बताओ कुछ, तो जब पढ़े रहेंगे तो जरूर कुछ बोलेंगे, तो बोलेंगे तो आप जज करेंगे कि सही बोलिए या गलत बोल रहे हैं, तो जब गलत बोल रहे तो आपको बोला नहीं ऐसे नहीं ऐसे होगा, मतलब ये चीजें गलत है, सही करना उसको, समझ पा रहे आप लोग? Yes, sir. फिर आप क्या करेंगे, आप साइंस से कुछ पूछ देना कि साइंस में चलो पहला लेसन पढ़ी थी उसके बारे में कुछ बताओ, कुछ सवाल कर देना। Yes, तो इस तरीके से ग्रुप डिस्कशन कर देना। Yes. समझ गए? Yes, sir. समझ पा रहे आप लोग? Yes, sir. सिर्फ इनके लिए नहीं बता रहा, सब पूरे क्लास के लिए, फॉर एग्जाम्पल समझाने के लिए मैंने बताया लोगों को। Yes, समझ गए सब लोग? Yes, sir. तो इस तरीके से करना, बैठ जाइए। नेक्स्ट, ये तो हो गया ग्रुप डिस्कशन, अब हमारे पास दो टॉपिक रह गया, 6 और 7। ये दो टॉपिक उन स्टूडेंट्स के लिए है जो स्टूडेंट ये पांचों रूल को फॉलो करेंगे, क्या समझे आप लोग? जो पांचों रूल्स फॉलो करेंगे उन स्टूडेंट्स के लिए अगला दो रूल होगा। अगला दो रूल क्या होगा, आपको नोट्स बनानी है, नोट्स यहां लिख रहा हूं, ठीक है, ये बॉक्स है ना, तो छठवां पॉइंट और सातवां पॉइंट, छठवां पॉइंट आपको नोट्स बनाने हैं। नोट्स क्या बनानी है, जो भी बुक पढ़ना है कोई भी सब्जेक्ट, अलग से कुछ आपको जो अच्छा लगे ना, सबसे अच्छा लगे, जो आपको इंपॉर्टेंट लगे उसको नोट डाउन करना है एक दूसरे का कॉपी में साइड से, यानी कि आपके पास कितनी कॉपी होना चाहिए, 3 कॉपी, कितने होना चाहिए, 3। एक तो जो रीडिंग लगाएंगे उसका एक्सरसाइज करेंगे उसमें हो जाएगा, और एक तो न्यूज के लिए होगा, और एक पतली सी कॉपी रहेगी जिसमें आप क्या करेंगे, नोट्स बनाएंगे वो सारे सब्जेक्ट में जो जो इम्पोर्टेंट लगे वही चीज में, सारा नोट नहीं करना है, जो जो इम्पोर्टेंट रहेगा नोट्स बनाएंगे, ओके। और टॉपिक नंबर 7 आपको लिखनी है डायरी, डायरी लिखते हैं आप लोग? डायरी लिखते हैं आप लोग? आपको लिखनी है डायरी, डायरी लिखना है आपको, जब डायरी लिखेंगे आप, जब आप डायरी लिखेंगे तो इससे पता है क्या होगा, लिखने का हैबिट डेवलप होगा, लिखने का, और आपका दिमाग भी चलेगा, आपको याद करने का कैपेसिटी बढ़ेगा।